हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज से हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर योर नीट एग्जाम 2020। सो बेसिकली आप कितना भी पढ़ लें, किसी भी चैप्टर को, किसी भी कंसेप्ट को, अगर आपने उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है तो सारी चीज़ें बेकार चली जाती हैं और आप लोगों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एमसीक्यू सीरीज। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू इसी तरीके से अपलोड किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 150 या फिर 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आपकी प्रैक्टिस में, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। इसके अंदर बेसिकली चार पार्ट्स होंगे वीडियोस के। ये पार्ट वन है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो हम एक ही वीडियो में सबको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो ये पार्ट वन होने वाला है। इसके बाद तीन पार्ट्स और आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट 31 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे इस चैप्टर से वो सभी के सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, आपको समझ में आ गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली हम यहाँ पर टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं, जिससे कि अगर वो बच्चा जिसने अच्छे से एनिमल किंगडम चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए और उन्हें बिल्कुल सही कर पाए। क्लियर है बिल्कुल। सो हमारा पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो क्लासिफाई करने का तरीका है एनिमल्स को, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सो मैं चाहती हूँ जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हर आंसर को आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आंसर बताऊंगी तो आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं आप मुझ पर डिपेंड हो जाएंगे। तो पहले आप अपना आंसर बताएंगे, फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं। राइट, सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। इनमें से कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी लैंड पे इंसेक्ट्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 2015 का आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बाइलेटरल सिमेट्री, ऑप्शन नंबर बी एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन नंबर सी आइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेगमेंटेशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सोस्केलेटन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनियस क्यूटिकल, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनियस क्यूटिकल। सो ये जो काइटिनियस क्यूटिकल है, इसकी जो आउटर लेयर एक्सोस्केलेटन है, इट बेसिकली गेट्स हार्डन, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। और हार्ड क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। नाउ इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड गिव्स द प्रोटेक्शन। ये जो आपको काइटिनियस क्यूटिकल देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली एक तरीके की प्रोटेक्शन देता है किसको? इंसेक्ट्स को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बी ऑकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सी प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर डी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स। आपको सिर्फ मेटाजेनेसिस की डिफाइन याद करनी है और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो ये मेटाजेनेसिस आपको देखने को मिलती है? इट इज एज शोन एज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किस फाइलम के अंदर? किस फाइलम के अंदर? फाइलम निडेरिया। क्लियर है, याद रहेगा, एमसीक्यू इससे भी बन सकता है। राइट, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें निडेरिया का, तो जो एग्जाम्पल है वो आएगा ओबेलिया। क्लियर है, इस फिनोमिना के अंदर, मेटाजेनेसिस के अंदर, एक जनरेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, विच इज फॉलोड बाय अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन। आगे फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वो फाइलम निडेरिया के अंदर होती है, इसको हम कहेंगे मेटाजेनेसिस। क्लियर है बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है, हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। इनमें से नेचर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज किसकी हैं?
2011 का आपका इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए फंजाए, बी इंसेक्ट्स, सी बर्ड्स या फिर डी एंजियोस्पर्म्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज इंसेक्ट्स। क्यों? बिकॉज नेचर के अंदर इंसेक्ट्स जो हैं उनकी स्पीशीज सबसे ज्यादा है। इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। अराउंड कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं? 30 मिलियन। 30 मिलियन तक यहाँ पर स्पीशीज है इंसेक्ट्स की। फंजाए जो है उनकी है ऑलमोस्ट 1 लाख आप कह सकते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म जो है उसकी है अराउंड 2,60,000, क्लियर। और जो बर्ड्स हैं उसकी है 10,000 के आसपास स्पीशीज, क्लियर है। ये आप याद रखिएगा 2,60,000। अब याद रहेगा ये है इंसेक्ट्स का, ये 1 लाख है आपका फंजाए का, 2,60,000 जो है ये है आपका एंजियोस्पर्म्स का, क्लियर। और ये जो आपकी बर्ड्स हैं बर्ड्स का है 10,000, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो रेडियल सिमेट्री है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है, मतलब किसके अंदर हमें देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के अंदर बेसिकली, बी लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन या डी सेडिमेंटरी मोड ऑफ लाइफ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है बिल्कुल। सो बेसिकली जो सीलोम होता है जिसको आप कह सकते हो बॉडी कैविटी, इसको जब ब्लास्टोसील से निकाला जाता है तो इट इज नोन एज सीडो सीलोम, जैसे कि नेमाटोड्स में रोटिफर्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके की कैविटी में देर इज अ मीजोडर्म, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड पे मीजोडर्म होता है विच इज टूवर्ड्स द बॉडी वॉल। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ ट्रू सीलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ व्हाट। ट्रू सीलोम जो है वो एक ऐसा स्पेस है जो कि एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल के बीच में होता है, और वो कौन सी दो लेयर्स होती हैं जो कि उसके आसपास प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म ऑन बोथ साइड, बी एंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन द अदर साइड, सी मीजोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन द अदर साइड, या फिर डी मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। अब देखो इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या होता है इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये है आपकी एक्टोडर्म, क्लियर है। उसके बाद ये है आपका गट, ये क्या है? गट है। गट के अंदर यहां पर सीलोम प्रेजेंट है, यहां पर सीलोम प्रेजेंट है, राइट। तो ये तो बाहर का तो एक्टोडर्म हो गया, और गट के आसपास जो है गट के आसपास एंडोडर्म हो गया, राइट। तो सीलोम के यहां, देखो सीलोम के इस जगह पर और सीलोम के इस जगह पर क्या प्रेजेंट हुआ? यहां पर मीजोडर्म, सीलोम के यहां पर भी मीजोडर्म। आपको मेरी बात समझ में आई? ये आपका पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, ये गट बीच में प्रेजेंट है, यहां पर एक सीलोम, यहां पर दूसरा सीलोम, ठीक है। अब जब गट के आसपास जो लेयर है उसको हम कह रहे हैं एंडोडर्म, और ये वाली लेयर को एक्टोडर्म कह रहे हैं। तो जो बीच वाली ये जो लेयर आपको देखने को मिल रही है ना, ये पूरी जो लेयर आपको देखने को मिल रही है ये हो गई मीजोडर्म। तो सीलोम के यहां पर भी और यहां पर भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कौन प्रेजेंट है? मीजोडर्म। सो मीजोडर्म ऑन दी बोथ साइड, क्लियर है बिल्कुल। The organism attached to the substratum generally possess, वो organism जो substratum से attached रहता है वो किस तरीके की symmetry दिखाता है या फिर किस तरीके का structure show करता है? 1995 का आपका question है। Option number A radial symmetry, B one single openings of digestive canal, C asymmetrical body या D cilia on surface to create water current। And the correct option here is ऑप्शन नंबर ए रेडियल सिमेट्री। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बेसिकली अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से, वो किस तरीके की सिमेट्री दिखाते हैं? रेडियल सिमेट्री इन ऑल वर्टिकल प्लेन्स, क्लियर। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग रेडियल सिमेट्री ऑफनली, यानी कि मोस्टली कौन से एनिमल्स दिखाते हैं जिनके पास? ऑप्शन नंबर ए वन ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल में, बी एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग होता है, सी
बेंथोज एंड सेडेंट्री लिविंग होती है, बेंथोज भी कह सकते हैं सेडेंट्री भी कह सकते हैं, या फिर डी सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंथोज या सेडेंट्री लिविंग. देखो रेडियल सिमेट्री के अंदर बॉडी जो है इट इज कट लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली बॉडी को कट किया जाता है राइट, किसी भी रेडियस को मान के इंटू टू इक्वल हाफ्स. तो अगर हम देखें सिसाइल एनिमल्स के अंदर, जैसे कि स्टार फिश हो गई जो सी के बॉटम में रहती है, उसके अंदर हमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री. सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, वो सिलोम जो ब्लास्टोसील से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे. यस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सूडो सिलोम. जो ब्लास्टोसील से हमें सिलोम मिलता है उसे फॉल्स सिलोम कहते हैं. सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स. क्लियर. अब ऐसा क्यों कहते हैं, देखो सीलोम कह लो या बॉडी कैविटी कह लो, जब इसको हम ब्लास्टोसील से लेते हैं, डिराइव करते हैं, उससे हमें मिलता है सीलोम, तो बेसिकली इसे कहते हैं सूडो सीलोम. क्यों, जैसे कि किस में हमें देखने को मिलता है, अगर मैं एग्जांपल मांगू तो सूडो सीलोम किसके अंदर देखने को मिलता है, रोटिफर्स में, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, निमाटोड्स में. क्लियर. तो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, ये हो गए इसकी कुछ एग्जांपल्स. इस टाइप की कैविटी के अंदर जो मीजोडर्म है, अभी हमने क्या कहा था, सीलोम के इस साइड भी मीजोडर्म होता है और राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, लेकिन सूडो सीलोम कब कहा जाएगा, जब मीजोडर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि बॉडी वॉल की तरफ, ये बॉडी है बॉडी की वॉल की तरफ, यहाँ मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है. और जो ये शीजोसील नाम लिखा हुआ है ना, इट इज अ ट्रू सीलोम जो मीजोडर्मल सेगमेंट से मिलती है हमें. क्लियर है. तो जब एक ही साइड से मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट होगी तो सीडोसीलोम कहलाएगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन, कौन सा वो हार्मोन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी. आई होप आप सभी ने इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया हो, और अब तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एग डायोसिन, ठीक है, एग डायसोन, ये है इसका सही ऑप्शन. मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो बेसिकली एग डायसोन हार्मोन की वजह से ही रेगुलेट होती है. नेक्स्ट है एगडाइसिस इज शेडिंग ऑफ, एगडाइसिस इज शेडिंग ऑफ कौन सी लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्ट्रेटम मेल्पिजाए एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम. 1990 का क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटम कॉर्नियम. सो बेसिकली स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्शियली कन्फर्म्ड लेयर ऑफ स्केल, जैसे कि सेल्स हो गए, सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गई. अब जो कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं इस लेयर के, दे आर पीरियोडिकली शेड ऑफ, इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम के कुछ जो बेसिकली आप कह सकते हो कुछ लेयर पीरियोडिकली धीरे धीरे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्या होते रहते हैं, शेड होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं एगडाइसिस. एक नई लेयर आती है, रेगुलरली बनती रहती है, और जो कि which is formed by underlying stratum germinativum. Clear है. तो stratum corneum वाली layer क्या करती है, shed करती है regularly, periodically, और stratum germinativum वाली एक नई layer को बनाती रहती है. Clear. Now there is next topic which is about the phylums. Phylum 1 Porifera, B Coelenterata, C Ctenophora, D Platyhelminthes और E Aeschylminthes. इन पांचों के ऊपर अब अगले questions होने वाले हैं. So in case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called. Porifera के केस में जो spongocoel है उसके आसपास कुछ flagellated cells होते हैं. उन cells को हम क्या कहते हैं? 2017 का आपका question है. Option number A, oscilla, B, choanocytes, C, mesenchymal cells, या फिर D, ostia. And the correct option here is option number B, which says choanocytes. Porifera के अंदर जिसे हम sponges कहते हैं, the common name sponges है porifera का, तो उसमें basically choanocytes होते हैं, और choanocytes को हम एक और नाम से जानते हैं, collar cells. Clear है. तो ये form करते हैं spongocoel को, lining of spongocoel को, ठीक है. Flagella which are present in collar cell, they provide circulation to water in water canal system. Clear, बिल्कुल. चलिए. Body having meshwork of cell
internal cavities lined with food, filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum. ये जितने भी आपको characteristic देखने को मिल रहे हैं, ये किस phylum के characteristics हैं? A. Porifera, B. Mollusca, C. Protozoa या D. Coelenterate. And the correct option here is option number A, Porifera. Next is, select the taxon mentioned that represent both marine and freshwater. इनमें से कौन सा ऐसा टैक्सॉन है जो कि मरीन और फ्रेश वाटर दोनों की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है? 2014 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी क्या है, निडेरिया. ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो, बेसिकली यहां पर जो आपकी इकाइनोडर्म्स हैं और सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है, इकाइनोडर्म, सिफेलोकॉर्डेटा और टीनोफोरा, इन तीनों के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. उसमें आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज देखने को मिलेंगी ही नहीं, लेकिन निडेरिया जो है इसके अंदर आपको फ्रेश वाटर और मरीन दोनों की स्पीशीज देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट इज, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ क्वेश्चन के अलावा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि इकाइनोडर्म, टीनोफोरा और सिफेलोकॉर्डेटा इसकी स्पीशीज सिर्फ मरीन होती हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डिस्कस नहीं किया उस चीज को, मैं डिस्कस भी कर रही हूँ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. राइट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल. इनमें से कौन सा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है? ए. साइनोबैक्टीरिया, बी. सी फैन जॉर्जनिया, सी. सेक्रोमाइसिस या डी. ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज सी फैन, जिसको हम जॉर्जनिया कहते हैं. ये एक ऐसा एनिमल है, मतलब इट इज एन एनिमल, और सारे एनिमल्स जो हैं उनके पास, जॉर्जनिया वाले जो एनिमल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होगी. क्लियर है? नेक्स्ट इज, प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ. प्लानेरिया जो है उसके अंदर हाई कैपेसिटी किस चीज को करने की होती है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस या फिर बायोल्यूमिनेसेंस. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, रीजनरेशन. प्लानेरिया जो है इट इज अ फ्लैट वॉर्म. प्लानेरिया क्या है लिख लीजिए आप जरूर. आप प्लीज क्वेश्चंस को या तो स्क्रीनशॉट ले लें, फ्लैट फॉर्म नहीं सॉरी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप यहां पर चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको नोट्स की तरह दिख रही हैं. ठीक है, तो इसको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं. प्लेनेरिया को एक और नाम से जानते हैं जो क्या है, फ्लैट वॉर्म. राइट, तो फ्लैट वॉर्म जो है उनके अंदर हाई कैपेसिटी होती है किसकी, रीजनरेशन प्रोसेस की. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स. इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस करता है? नीट 2013 का आपका एक क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए टीनोफोरा, बी निडेरिया, सी पॉरीफेरा या डी प्रोटोजोआ. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए टीनोफोरा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं टीनोफोरा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, टीनोफोरा के अंदर जो सेक्सेस होते हैं दे आर नॉट सेपरेट. क्लियर है? SEPA. तो ये सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से ही होगा. निडेरिया के अंदर, इसके अंदर आपको दोनों ही फॉर्म्स देखने को मिलेंगे. पॉलिप्स भी देखने को मिलेगी जो मेड्यूसा को बनाती है असेक्सुअली तरीके से, और मेड्यूसा जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी जो पॉलिप को बनाएगी सेक्सुअल तरीके से. तो यहां पर आपको एक तरीके से दिखती है सर्कुलर साइकिल. पॉलिप मेड्यूसा को बनाती है, मेड्यूसा पॉलिप को बनाती है. पॉलिप जब मेड्यूसा को बनाती है तो वो असेक्सुअल तरीके से बनाती है, लेकिन जब मेड्यूसा वापस से पॉलिप को बनाएगा तो वो सेक्सुअल तरीके से बनाएगी. याद रहेगा ये चीज, बहुत छोटा सा फंडा है, बस इसको अगर आप अपने नोट्स में एक बार लिख लोगे तो आपको एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा ईजी पड़ेंगी चीजें. उसके बाद जो पॉरीफेरा है, इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कैसे? जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से करता है. किसकी मदद से करता है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू. राइट, और जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो सेक्सुअली कैसे करता है? गैमीट्स के फॉर्मेशन से. किससे? गैमीट्स के फॉर्मेशन से. क्लियर है? उसके बाद यानी कि यहां पर भी असेक्सुअल हो गया, यहां पर भी असेक्सुअल होगा. अब देखते हैं प्रोटोजोआ की बात करते हैं. प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और प्रोटिस्टा जो है वो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं
अगर सेक्सुअल जो सेक्सुअल तरीके से करना है तो जायगॉट फॉर्मेशन होगा, और असेक्सुअल तरीके से करना है तो सेल का फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फाइलम था जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिला? ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में देखने को मिला, और बाकी के तो हमने डिस्कस कर ही लिए किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, राइट? तो बाकी की चीजों को आप नोट करेंगे और सही आंसर को टिक लगाएंगे। क्लियर? नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? इनमें से किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लैटवर्म्स, बी स्पॉन्जेस, सी टीनोफोर्स या डी कॉरल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए फ्लैटवर्म्स। जो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, इट कैन बी सीन इन फ्लैटवर्म, टीनोफोर हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, कोरल्स हो गया, ये सभी कैसे हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक, याद रहेगा, लिख लीजिए साइड में इसको भी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? ऑप्शन नंबर ए एस्केलमिंथिस विच इज राउंड वॉर्म कॉमन नेम, बी टीनोफोर्स, सी स्पॉन्जेस या डी सीलेंट्रेट्स निडेरियंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए एस्केलमिंथिस। तो एस्केलमिंथिस जो होते हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। मोस्टली ये कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। इनकी बॉडी जो है इट इज थ्री लेयर, तीन लेयर की इनकी बॉडी होती है, एक्टो, एंडो और मीजो। एक्टो सबसे आउटर लेयर, एंडो सबसे इनर लेयर, मीजो मतलब मिडिल वाली लेयर। क्लियर? नेक्स्ट इज एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो एस्कैरिस है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? आई होप आप सभी ने अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी व्हिच सेज प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म। ठीक है, ना तो ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है ना ही मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। सो एस्कैरिस जो है वो एक ऐसा कॉमन पैरासाइट है विच इज फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक है, लार्ज मैन के, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एस्कैरिस देखने को मिल सकता है, कॉमन पैरासाइट है ये, वर्ल्ड वाइड में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया में होगा, अफ्रीका में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, नहीं, वर्ल्ड वाइड आपको ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल देखने को मिल जाता है। द नंबर ऑफ वॉर्म्स मे बी 500 और मोर इन अ सिंगल होस्ट। एक सिंगल होस्ट की बॉडी में एस्कैरिस का जो नंबर है वो अराउंड 500 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। एस्कैरिस जो है उसे हम पहचानते हैं ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिस। ठीक है, ना तो ट्रूसिलोम होगा, ट्रूसिलोम मतलब सीलोम के इधर उधर दोनों तरफ मीजोडर्म लेयर होगी, और ना ही मेटामेरिज्म लेयर होगी, यानी कि सिर्फ एक तरफ मीजोडर्म लेयर, ये दोनों चीजें प्रेजेंट यहाँ पर आप कह सकते हो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रॉन्ग वन। आपको इन स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। जो बेसिकली एनिमल्स जो पॉरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं, मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला हो गया, ईव स्पॉन्जिया हो गया, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, तो हम एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं कह सकते, मोस्टली मरीन कह सकते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लैटीहेलमिंथ्स शो। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। जो प्लैटीहेलमिंथ्स होते हैं जिनके अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं उसमें हमें बॉडी कैविटी देखने को ही नहीं मिलती है, देयर इज नो बॉडी कैविटी। एनिमल्स जो होते हैं देयरफॉर दे आर नोन एज ए सीलोमेट्स। सीलोम का मतलब क्या होता था? सीलोम का मतलब क्या होता था? कैविटी। तो जब सीलोम नहीं है तो उसे बोलेंगे ए सीलोम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे? ए सीलोम, और उस ऑर्गेनिज्म को ए सीलोमेट्स। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को ये? ठीक है, तो एनिलिड्स जो हैं उनमें आपको और क्या क्या देखने को मिलता है? बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, एनिलिड्स में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ये सीलोमेट भी होते हैं, दे हैव पेरिविस्करल कैविटी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। क्लियर?
नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल जो फेस्क्यूला हेपेटिका होता है, लिवर फ्लूक जिसे हम कहते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान इट इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज। किस स्टेज पे वो इंटरमीडिएट होस्ट को इन्फेक्ट करता है और किस स्टेज पे वो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी, रेडिया एंड मिरेकीडियम। ठीक है, रेडिया एंड मिरेकीडियम। नेक्स्ट इज देखो, जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो जो एग की कैप्सूल है विच फॉर्म नॉन फीडिंग लार्वल मिरेकीडियम, मिरेकीडियम बनता है। फिर ये मिरेकीडियम एंटर करता है स्नेल की बॉडी में ताकि क्या बना पाए, स्पोरोसिस्ट बना सके। ये स्पोरोसिस्ट जो है ये आगे जाके डेवलप करते हैं इंटू रेडिया। नाउ ये रेडिया जो है ये बनाता है सर्केरिया एंड इट कम आउट ऑफ द स्नेल और ये इंसिस्ट हो जाते हैं फ्रॉम मेटा सर्केरिया। क्लियर है। साइकिन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकिन उस ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करता है जो कि बेस्ट किस तरीके से जाने जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पॉन्जेस हैं विच शो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव टिश्यू सिस्टम। जैसे कि साइकन है वो एक स्पॉन्ज है तो उनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम देखने को नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइट्स एंड एनोफिलिस स्टेफेंसी। एनोफिलिस स्टेफेंसी और एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, बी हाइबरनेशन, सी एनरोबिक रेस्पिरेशन या डी मेटामेरिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉमन है एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइट्स और एनोफिलिस स्टेफेंसी में। जो मेल और फीमेल राउंड वॉर्म्स होते हैं दे कैन बी मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड। मेल और फीमेल राउंड वॉर्म को हम मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है उसको बेसिकली इट इज सैंग्यूवेरस, वेयर एज जो मेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो नेक्टर को सेक करता है। राइट, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया इज। ओब्लिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने वाला सबसे सही टर्म कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म कौन सा है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए मेटाजेनेसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस क्या है, बेसिकली इट इज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द एडल्ट थ्रू अ लार्वल एंड द प्यूपल स्टेज। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो आपको इट इज सीन इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, वेयर इन जो हैप्लॉइड आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो है इट ऑल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक जनरेशन नहीं देखने को मिलती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन देखने को मिलती है, उसके साथ साथ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन भी देखने को मिलती है। उसके बाद जो फिनोमिना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाय अ लार्वा इज नोन एज नियोटनी। एग्जाम्पल एक्सोलॉटल लार्वा, एग्जाम्पल आप ना याद रखें तब भी सही रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीज क्या है। तो जो ओब्लिया है, ओब्लिया पॉलिप इट रिप्रोड्यूस मेड्यूसा। पॉलिप रिप्रोड्यूस किसको करेगी, मेड्यूसा को। मेड्यूसा रिप्रोड्यूस किसको करता है, पॉलिप को। तो जो ओबेलिया पॉलिप है इट रिप्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली और जो मेड्यूसा है इट फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, इस तरीके के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और सेक्सुअल फेज इन साइकिल इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबलिया इज नोन एज मेटाजेनेसिस। याद रहेगा आपको अब ये। चलिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन। सभी स्पॉन्जेस के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो सही है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1996 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो बेसिकली मरीन होते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं फैमिली के, जैसे कि स्पॉन्जुलेट ये कुछ या फिर कुछ मेंबर्स ऑफ विच जो जैसे अभी हमने ई स्पॉन्जिया देखा, वो बेसिकली क्या है, वो फ्रेश वाटर है। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर है। तो बेसिकली इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है आइदर स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जेस स्पॉन्जिन फाइबर्स का, या फिर दोनों का मिलके भी बन सकता है। सो स्पॉन्जेस बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग और थ्रू द गेम्यूल्स। क्लियर, और जो स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर दे ऑल्सो एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं जो फ्लैजिलेटेड कॉरल सेल्स हैं ये सभी स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के।
नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सीलेंट रेट इज, सबसे मेन और स्पेशल कैरेक्टर क्या है सीलेंट रेट का जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो स्पीशीज है ये सीलेंट रेट की है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी निमाटोसिस्ट. क्या है? निमाटोसिस्ट, राइट. चलिए आगे चलते हैं. विच वन बिलोंग्स टू प्लेटीहेलमिंथिस, इनमें से कौन है जो कि प्लेटीहेलमिंथिस ग्रुप का मेंबर है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज सिक्स्टोसोमा, जो कि प्लेटीहेलमिंथिस का मेंबर है जिसको हम कॉमनली ब्लड फ्लूइड भी कहते हैं, ब्लड फ्लूक भी कहते हैं. और जो आपका ट्रिप्नोसोमा है इट इज ऑफ एस्केलमिंथिस, ठीक है, एस्केलमिंथिस. एंड जो आपका प्लाज्मोडियम है इट इज ऑल्सो एस्केलमिंथिस. और जो जो प्लाज्मोडियम है इट इज प्रोटोजोआ, नॉट एस्केलमिंथिस, इट इज प्रोटोजोआ. और जो वुकेरिया है इट इज ऑल्सो एस्केलमिंथिस. क्लियर है? तो अब चारों के बारे में आपको पता चल गया कौन किस फाइलम को बिलोंग करता है. नेक्स्ट इज बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, इनमें से किसके अंदर बडिंग एक नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ए स्टारफिश एंड हाइड्रा, बी हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, सी टेपवॉर्म एंड हाइड्रा, या डी स्पॉन्ज एंड स्टारफिश. 1993 का क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस. जो बडिंग है वो एक तरीके का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसके अंदर? हाइड्रा और स्पॉन्जेस के अंदर. बट इट इज फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी सरफेस. बडिंग क्या होता है? ये बॉडी है, इसकी एक आउटग्रोथ की तरह से बन जाता है, ठीक है. और जब मिच्योर हो जाता है तो डिटैच हो जाएगा ताकि एक नया एनिमल बना सके. वट इज ट्रू अबाउट टीनिया सेगिनेटा, टीनिया सेगिनेटा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. 1993 का ये क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी रोस्टुलर हुक्स आर एब्सेंट. रोस्टुलम एंड हुक्स ये दोनों ही टीनिया सेजिनेटा में एब्सेंट होते हैं. क्लियर? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ किनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज, पॉरीफेरा के अंदर क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सबसे सिंपल टाइप का किनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को जो मिलता है वो किस टाइप का मिलता है. 1992 का क्वेश्चन है आपका. द करेक्ट ऑप्शन एयर इज एस्किन टाइप, ठीक है. जो केनाल सिस्टम है वो बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्जेस के अंदर. एस्किन टाइप का जो केनाल होता है इट इज सिंपलेस्ट इन पॉरीफेरा, जो कि इसका फूड ऑक्सीजन और CO2 को बाहर लेकर के जाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर लेकर के जाती है. क्लियर? वॉट इज ट्रू अबाउट टीनिया, टीनिया के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है. 1992 का आपका ये क्वेश्चन है. एंड आई होप आप सभी अभी तक अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, और आपके जो भी आंसर्स हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके डाउट को दूर किया जाए, राइट. सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो टीनिया के बारे में बिल्कुल सही है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है. टीनिया के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है टीनिया की इट इज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये डिवाइडेड होती है कई सेगमेंट्स में जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं. हर एक प्रोग्लोटिड जो है उसके पास हैज वन और टू सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्लियर है? तो हर एक मेच्योर प्रोग्लोटिड्स के पास क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, राइट. एस्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड, एस्कैरिस जो है उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी रैप्टिडी फॉर्म, ठीक है, रैप्टिडी फॉर्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज ब्लैडर वॉर्म सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वॉर्म जो है वो किसकी लार्वल स्टेज है. अभी यही वर्ड हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए. अगर आप बहुत अटेंटिवली इन क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे थे तो अब तक आपको पता होगा इसका आंसर. जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. ये 1991 का आपका क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन गोस, यस बिल्कुल सही आपने सोचा, ऑप्शन नंबर ए टेप फॉर्म, ठीक है. ब्लैडर फॉर्म या फिर सिस्टिसर्कस जो है लार्वा इट फॉर्म्स इन टेप फॉर्म. द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैट वॉर्म या टीनिया आर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है
फ्लैटवर्म के या टीनिया के? 1991 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेम सेल, बी प्रोटोनेफ्रीडिया, बी सी मालपीजियन ट्यूब्यूल या फिर डी ग्रीन ग्लैंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए फ्लेम सेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है टीनिया का, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पिक्यूलियर फ्लेम सेल विच अब्सॉर्ब्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्चार्ज इट थ्रू द एक्सक्रीटरी डक्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन, जो मेन क्लासिफिकेशन है पॉरीफेरा का वो किसके ऊपर बेस्ड है? 1991 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ब्रांचिंग, बी स्पिक्यूल्स, सी रिप्रोडक्शन या डी सिमेट्री। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी स्पिक्यूल्स। जो टर्म पॉरीफेरा है इट वॉज गिवन बाय ग्रांट। ठीक है, ये फाइलम जो है इसके अंदर बेसिकली वो एनिमल्स आते हैं विच कंसिस्ट ऑफ पोर्स, उनकी बॉडी में पोर्स हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर हुआ था? स्केलेटन के ऊपर, और स्केलेटन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है स्पिक्यूल। तो इसके आगे आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइड्स इन्फेक्शन ऑक्यर्स थ्रू, एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइड इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? 1991 का आपका क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज कंटेमिनेटेड कुक्ड मीजली पॉक। ठीक है, एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइड्स जो है वो पिग पॉर्क, यानी कि पूरी तरह से कुक ना किया हुआ, ठीक है, ढंग से वॉश ना किया हुआ पॉर्क जो है, पिग जो है, अगर उसे लोग खाते हैं तो बेसिकली ये जो एस्कैरिस लिम्ब्रियोकॉइड है इसकी बीमारी होती है, इसका इन्फेक्शन होता है। नाउ ऑन्कोस्फेयर ऑक्यर्स इन, ऑन्कोस्फेयर किसके अंदर होता है? ए एस्कैरिस, बी फैस्कियोला, सी टीनिया या डी प्लेनेरिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी टीनिया। ठीक है, क्लियर। ऑन्कोस्फेयर जो है इट इज द लार्वल स्टेज इन टीनिया सोलियम, किसके अंदर? टीनिया सोलियम के अंदर। नेक्स्ट इज टीनिया सेजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम। देखो जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशीज अलग है, तो ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से? टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से क्यों डिफरेंट है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्कोलेक्स हुक्स एंड यूट्राइन ब्रांचिंग। ठीक है, क्या होता है बेसिकली टीनिया सेजिनेटा के अंदर रोस्टेलम और स्कोलेक्स हुक्स नहीं होते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट ऑक्यर्स एज, द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑन्कोस्फेयर। जो टीनिया को है, मतलब टीनिया बेसिकली जब सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसफर होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑन्कोस्फेयर। ठीक है, ऑन्कोस्फेयर क्या है फिर? दूसरी स्टेज में जा रहा है, सेकेंडरी होस्ट में जा रहा है, तो लार्वल स्टेज में जाना है और वो लार्वल स्टेज को हम कहते हैं ऑन्कोस्फेयर। क्लियर? बिल्कुल। जो एग्स होते हैं टीनिया के, इट बेसिकली पास आउट थ्रू ह्यूमन फीसेस, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू वो चले जाते हैं बॉडी से बाहर टीनिया के एग्स, फिर वो कुछ पिग्स उनको खा लेते हैं, सुअर वगैरह उनको खा लेते हैं, फिर वो एग जो है वो डेवलप करेंगे, किस में बनेंगे? ऑन्कोस्फेयर बनते हैं। देन टू सिस्ट लार्वा इन द मसल ऑफ पिग, पिग के मसल में लार्वा जो है वहाँ पे वही डेवलप होता रहेगा, सिस्ट के रूप में प्रेजेंट होगा। नाउ द एंट्री स्टेज इन टू सेकेंडरी होस्ट पिग जो है उसको हम क्या कहेंगे? ऑन्कोस्फेयर। एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर, जो वाटर के सर्फेस पर फ्लोट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्लैंकटन, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिकॉज वो ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे उन्हें हम कहते हैं प्लैंकटन। फ्लोटिंग एनिमल्स को हम कहते हैं जू प्लैंकटन। ठीक है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जू प्लैंकटन, लेकिन जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उसे हम कहते हैं प्लैंकटन। ठीक है, और जो प्लांट फ्लोट करते हैं उन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। क्लियर, क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंकटन। नेक्स्ट इज ऑर्गन पाइप कॉरल इज एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ट्यूबिपोरा। ट्यूबिपोरा क्या है? इट इज एन ऑर्गन पाइप कॉरल विच इज इंक्लूडेड इन द क्लास एंथोसिया।
1988 का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। सो गाइज इसके बाद है टॉपिक नंबर 3 जिसके अंदर आगे के हमारे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, जितनी भी लंबी हुई आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखा करिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट ईयर मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके लिए मैं लेकर के आई थी, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए थे नीट एग्जाम में। इस बार भी मेरी यही कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं जो कि आगे नीट में रिपीट हो सकते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम 4 पार्ट्स में वीडियो को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के एक दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप आज ही ये वीडियो अपलोड हुई है और आप आज ही देख रहे हैं तो कल आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। या फिर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी सभी चैप्टर्स की प्ले लिस्ट की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर के उसे जरूर देखें। कोई भी चैप्टर है, किसी भी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं एनसीईआरटी का, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। सो गाइज विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।